डेली वेजेस को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। तमाम डेली वेजेस को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। तमाम डेली वेजेस को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। और इस समय पीएचई डेली वेजेस के पास हम मौजूद हैं और रेगुलराइजेशन की डिमांड को लेकर कल जिस तरह से इनका डिपकॉम कार्यालय का घेराव था, एक बार फिर आश्वासन इन्हें मिला है। क्या कुछ आश्वासन है और कितनी उम्मीद है इनको, ये जानते हैं। मैं उशियार सिंह। उशियार जी, क्या कहना चाहोगे, एक बार फिर से आश्वासन मिला है और जिस तरह से अभी एक महीने का समय दिया गया है, कितनी उम्मीद रखते हैं आपके एक महीने में काम हो जाएगा? उम्मीद तो बहुत सारी रखते हैं हम, इसको अभी आश्वासन नहीं कह सकते। एक रिस्पांसिबल चेयर है जिन्होंने हमारे साथ एक कमिटमेंट की है, एक महीने का टाइम मांगा है हमारे अच्छे के लिए। अगर हमें एक महीना किसी के साथ किसी को देना पड़ा तो हम देंगे, मगर हमारा ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। स्मूथली प्रदर्शन करते रहेंगे, मतलब हाँ बिल्कुल स्मूथली रहेगा। प्लस अपने वर्कर को एक्टिवेट करने के लिए हम सराउंडिंग एरिया में जाएंगे भी जरूर, अपने साथियों को एक्टिवेट भी करेंगे। साथ में एक और बात हमने ऐड की है उसमें, जो नेक्स्ट 28 तारीख को हमारा कार्यक्रम रहेगा उसमें तकरीबन सारे डिपार्टमेंट के लोगों को हम इनवाइट करेंगे। वो एक मिक्स अप कार्यक्रम होगा जिसमें 61,000 डेली वेजर की बात की जाती है, तो जगह तो नहीं हम बता सकते पर कहाँ पे रहेगा, मगर वो एक अलग किस्म का रहेगा। 61,000 मुलाजिमों को इनवाइट किया जाएगा। तो फिर अगर हमारे साथ धोखा होता है डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स के साथ, बिल्कुल हम, क्योंकि जो रेगुलेशन पॉलिसी बनेगी वो सभी पे इंप्लीमेंट होगी। तो अगर लड़ पीएचई का एम्प्लॉइज रहा है या स्टेट डिपार्टमेंट लड़ रहा है या इरीगेशन लड़ रहा है तो पॉलिसी सबको चाहिए, तो सबको इस जंग में कूदना पड़ेगा। फिलहाल आपको उम्मीद है कि एक महीने के अंदर काम हो जाएगा? मैडम अगर होगा नहीं तो प्रशासन जाएगा कहाँ? 6 महीने से हम लगातार बैठे हुए हैं, हमने सभी रूप दिखाए हैं अपने, जैसे कंपनी बाग का एक रूप था, इससे भी एक रूप हमारा अभी और भी है, वो बहुत क्रूर रूप रहेगा। उस रूप को और बड़ा विशाल करने के लिए 61,000 मुलाजिम को हम अपने साथ लेंगे और प्रशासन को सीधी टक्कर रहेगी अगर 22 तारीख तक हमारा मसला हल नहीं होता। मैं रवि हंस, मेंबर पीएचई एम्प्लॉई यूनाइटेड। रवि जी, क्या कहना चाहोगे, कल एक बार फिर से आश्वासन मिला है? देखिए कल लगभग मेरे ख्याल में 2 घंटे के करीब करीब हमारी डिस्कशन हुई है, तो डिपकॉम साहब ने 1 महीने का टाइम मांगा है और शायद ये पिछला जो टाइम 2 महीने का गुजरा है तो इसके इसमें भी उन्होंने एक वादा किया था 17 अक्टूबर को जब हमने कंपनी वाला स्टेशन बंद किया था कि विद इन डेज एक कमेटी का गठन होगा तो आपके मसले का हल निकालेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो टाइम वेस्ट हुआ ये हमारे डिपार्टमेंट की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से मांगी थी, हमारा डिपार्टमेंट वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए पूरे 2 महीने और 5 दिन जो हैं डिपार्टमेंट ने लगाया और परसों रात को 8:30 बजे वो इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँची है, वो भी इसलिए कि कल वहाँ पे हमने प्रोग्राम अनाउंस किया था तो परसों रात को इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। ये कहीं ना कहीं एक डिलेइंग टैक्टिस जो अपनाया जाता है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, इसलिए हम उनके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकते कि उन्होंने हमारा जो वादा किया था उस पर वो खरे नहीं उतर पाए, क्योंकि जब डिपार्टमेंट उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे पाया तो उन पर सवालिया निशान नहीं लगा सकते थे। इसीलिए उनके कहने पे 1 महीने का हमने उनको टाइम दिया, 1 महीने का उन्होंने बोला है कि 1 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ आपका निकल जाएगा। आपका प्रदर्शन जारी ही रहेगा या उस पर रोक लगेगी? नहीं मैम, प्रदर्शन बिल्कुल जारी रहेगा और हमने अगली डेट भी 28 जनवरी का अनाउंस कर दी है। 22 जनवरी को हमारा 1 महीना पूरा हो जाएगा और अगर इस दौरान डेली वेजर को उनका हक नहीं मिलता तो 28 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन 28 जनवरी को होगा। आश्वासन आपको डिपकॉम द्वारा दिया गया? हाँ जी बिल्कुल, डिपकॉम जम्मू की तरफ से ये कहा गया कि इस महीने में कुछ ना कुछ आपको आपका मसला जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो हम पूरी उम्मीद रखेंगे और ऊपर वाले से दुआ भी करेंगे और डिपकॉम साहब से ये फिर एक बार अपील भी करेंगे कि वो इस मसले को सीरियसली हायर अथॉरिटी से टेकअप करें। और एक वादा उन्होंने और भी किया कि नेक्स्ट वीक तक कोशिश करूंगा कि एक आपकी मीटिंग हायर अथॉरिटीज के साथ हो जाए और इस मसले का सलूशन जो है वो निकल जाए। तो रेगुलराइजेशन की डिमांड के साथ साथ पेंडिंग वेजेस को रिलीज करने की ये डिमांड कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि 1 महीने का अल्टीमेटम जो है इनको दिया गया है और अगर 1 महीने के अंदर अंदर इनकी मांगों पर काम नहीं किया गया तो इनका आने वाले समय में 28 जनवरी को बहुत विशाल प्रदर्शन होगा। आप देख रहे हैं कि इनकी मांगे पूरी होती या नहीं होती, तब तक इनका प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। आप देखते रहे यंग बाइट्स, जनसेप शेख बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।